लोकसभा चुनाव में 4 दिन काम के और 5वें दिन पोलिंग बची। अगर आपको लगता है 5 साल पार्लियामेंट के अंदर मैं आपकी आवाज बनकर लड़ता रहा, आपकी आवाज को पार्लियामेंट में उठाता रहा, तब आपकी जिम्मेवारी आज लगाने आया हूं कि अब अगले 5 दिन घर घर जाकर एक एक व्यक्ति से संपर्क साध, अपना एक एक वोट जननायक जनता पार्टी के पक्ष में आम आदमी पार्टी युवा साथियों, आज आपके सामने बीजेपी और कांग्रेस, कांग्रेस की विधायिका आपके यहां से 5 साल में मेरे ख्याल से एक बार भी आपकी ना तो आवाज उठाई, ना एक बार इनने आपके बीच में आकर सुख दुख साझे की। चुनाव से लेकर चुनाव तक छुट्टी मार के आज आपके बीच में आए। वही या बीजेपी की बात करें, बीजेपी का उम्मीदवार की यह हालत है कि पिताजी केंद्र में मंत्री, माताजी चाड़ा की विधायिका, खुद एमडी एफिड रिटायर हुआ, मगर अपने नाम पे वोट मांगने की हिम्मत नहीं, क्योंकि पता है खुद के नाम पे मांगेगा तो लोग कहेंगे सरसों में कलेश डालनी आ गई। ये 6 क्विंटल 25 क्विंटल का जो रोला है, इसका अगर कोई मुख्य सूत्र धारक है तो वो बीजेपी का उम्मीदवार। माता जी के नाम पे इसलिए नहीं मांग सकता कि चाड़ा के अंदर 5 साल में कुछ नहीं किया, और पिताजी जो केंद्र में स्टील के मंत्री थे, इस हार तो स्टील की राजधानी हरियाणा की, ये बताने का काम करें कि 5 सालों में स्टील को नया प्लांट लगाया हो, को रोजगार के साधन बनाए, तो 5 साल आराम कर आज आपके बीच में वोट मांगने आए और आकर कहते हैं मोदी के नाम पे वोट दे दे। मैं तो आपसे पूछता हूं, 5 साल में कोई मोदी दिखा इस हाल में? नोटबंदी मोदी लेके आया, कहता था काले धन को पकड़ेंगे, काले धन को नहीं कमेरे के धन को पकड़ा। ये माताएं बहने खड़ी, इनके कोई दो चार हजार हारी मारी के छुपोए बैठी थी, देश के आगे इनकी पोल खुली। नोटबंदी ने हमें बैंकों में खड़ा कर दिया और बैंकों का पैसा लेके भाग के नीरव मोदी ललित को कहते थे 2 करोड़ रोजगार देंगे। धरातल की तस्वीर है, 2 करोड़ रोजगार देना तो बहुत दुख की बात। बता कि अगर खाद बीज लेने जाओ तो 5% टैक्स, अगर कोई स्प्रे लेने जाओ तो 18% टैक्स, और ट्रैक्टर का कोई उपकरण लेने जाओ तो 12% टैक्स। आज हर प्रकार से किसान को दबाया और कुचला जा रहा है। भाई बुजुर्ग युवा साथी, आज कहते हमने तो किसान की पेंशन बांध दी, 5 किले के 2000 रुपए दी, और वहीं दूसरी और बात करें तो 2000 दे के 5 किले के। प्रार्थना है कि अब समझो इस बात कि 5 साल में राष्ट्रवाद की बात करी पर सबसे ज्यादा फौजी शहीद, राष्ट्रवाद की बात करी सबसे ज्यादा आतंकवादी घटनाएं 5 साल में, और आज आकर कहते हैं देश बचाना, कोई पूछ नहीं आओ 5 साल पहले का देश भी बचा हुआ था। आज तो सबसे ज्यादा खून खराबा अगर किसी की सरकार में हरियाणा प्रदेश में हुआ तो इस बीजेपी की सरकार में, 81 लोगों की जान गई। चाहे 5 दिन में एक एक वोट पोल कराने का काम है।